नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रदेश में आशा बहुएं एवं आशा संगनियों के मानदेय के संबंध में सोमवार को लखनऊ प्रेस क्लब में लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता गिरी, राष्ट्रीय संरक्षक राजेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मनीषा यादव ने आशा बहुओं एवं संगनियों की प्रोत्साहन राशि की समस्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आशा बहुओं एवं संगनियों ने शिकायत की है कि सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि की समस्या के समाधान के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। इस समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार को कई बार ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी गई, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं हुई। इसलिए हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आशा बहनों का कहना है कि साल 2005 में समस्त आशाओं का चयन होने के बाद से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाना, बच्चों एवं गर्भवती माँ का टीकाकरण कराना, सुरक्षित प्रसव कराना, जन्म मृत्यु में अंतर लाना, केवल इन्हीं कार्यों की जिम्मेदारी हम आशा बहुओं को दी गई थी। लेकिन मौजूदा समय में किसी भी विभाग में कोई योजना आती है तो उसका सारा काम आशा बहनों से कराया जाता है, लेकिन इसके एवज में कोई मानदेय अथवा वेतन एवं प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, दस्तक संचारी रोग एवं कई योजना का सारा काम आशा बहनों से बिना प्रोत्साहन राशि दिए कराया जा रहा है। आशा आईडी, ई कवच, फैमिली परिवार नियोजन, सारे कार्य को मोबाइल से ऑनलाइन कराया जा रहा है और जो आशा कम पढ़ी लिखी हैं व मोबाइल नहीं चला पाती हैं उन्हें लेटर देने और निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। ठेके पर काम चलाया जा रहा है, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन की ही ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग को ये सूचना अवगत कराना चाहते हैं कि जिस कार्य का मानदेय वेतन एवं प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी वह कार्य पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बहनें नहीं करेंगी। हम आशाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जिसके चलते हम आंदोलन के लिए बाध्य हुए। सरकार हमारी मांगों पर अगर तत्काल विचार नहीं करेगी तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मनीषा यादव, मंडल अध्यक्ष रामश्री गंगवार, जिलाध्यक्ष पप्पी तिवारी, महासचिव उर्मिला सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष हीरामती, गीता देवी, मनीषा देवी, रीता देवी, नीलेश पांडे, अंशु गौड़, अनीता भारद्वाज, रेशमा बानो, मोनी गुप्ता, संगीता देवी, अनीता देवी, किरण सिंह, हीरामणि आदि मौजूद रहे। आज प्रेस वार्ता आशा बहनों की जो समस्या मानदेय वेतन की चल रही है उस समस्या को लेके आज हम प्रेस वार्ता रखे हैं। हमारे संगठन ऑल इंडिया आशा बहु का संगठन है। करीब 2010 से ही मेरा संगठन है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे मीडिया भाई, जितने हमारे संगठन हैं, सारे लोगों को ये चीज़ पता है। लेकिन हम अपनी बहनों से ये निर्देश देना चाहते हैं, जो भी हमारी उत्तर प्रदेश की आशा बहने हैं, आशा संगनी बहने, कि किसी भी कोई भी अगर आता है फौरे बताते हैं लोग, तमाम पार्टी से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरीके से जो है बहनों को गुमराह कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से संगठन में फोड़ फाड़ कर रहे हैं और बहनों को गुमराह करके जो है इधर से उधर महिलाओं के संगठन में आने का उनका क्या महत्व है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि आप आशा बहुओं के संगठन में, आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता होते हुए भी, और आप आशा बहुओं के संगठन में आके महिलाओं को इस तरह का आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमको अपनी बहनों से ये निर्देश देना चाहते हैं कि बहनों, किसी के गुमराह में आप लोग मत रहिए और ये जो चल रही है रवैया, ये सारे लोग मिल के केवल आशा बहनों की कमर को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सरकार से मिले जुले लोग हैं और पार्टी के लोग हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग का खुद स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और आशा बहुओं और आशा संगनी का मेरा संगठन है। बाकी अन्य लोग कोई नहीं है, जो भी पदाधिकारी होता है हमारे आशा मिशन से होता है, बाकी कोई नहीं होता है। संगठन दो संगठन बनेगा, अभी कुछ दिन पहले ये टूटा हुआ था जी।
वो आशा बहनों को इको गार्डन में हम लोग का बहुत कुछ दिन की बात है धरना लगा हुआ था, और वो आशीष तिवारी जी हैं और वो आए वहाँ चक्कर लगा रहे थे और हमसे अनुरोध कहे कि दीदी हम 2 मिनट आपके सहयोग करना चाहते हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, और परिचय दिए, हमसे मिले और संगठन में आके हमारे भाषण दिए, और उसके बाद से वो 2-3 महीने से संगठन को बहनों को लखनऊ में बुला के इधर उधर घुमाते फिराते थे, उनको खाना पीना सब खिलाते थे और उनको गुमराह करके, और एक दिन प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह का वो महिलाओं के साथ अगर शोषण कर रहे हैं तो इसकी जानकारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और बृजेश पाठक जी को अवगत करा देंगे। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बंधन योजना इतने दिन काफी दिनों से चल रहा था 2018 से, और केवल 1 साल हमारी बहनों को इसका भुगतान हुआ था, उसके बाद से हमारी बहनों का 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ, और सरकार इस योजना को आंगनबाड़ी विभाग को दे दिया गया। जब आशाएं काम को उस लक्ष्य पर ला दी तो वो योजना को दूसरे विभाग को दे दिए, और हमारी बहनों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बहनें जो है आंदोलन के बाध्य हो गई है, और इस समय धरना प्रदर्शन हर जिले में चल रहा है, और ये हमारा अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम दिल्ली या लखनऊ कूच करेंगे, सड़क पर उतरने का भी काम करेंगे, अगर हमारे मानदेय और वेतन आशा बहनों का निर्धारित नहीं किए। ये कहते हैं कि ये आशा बहनें एक सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता हैं, अगर हमको आप सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता मानते हैं, एक बार आप कहते हैं कि ये आशा बहने हमारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, अगर हड्डी है तो क्या हड्डी के बचाने के लिए उनको कुछ मानदेय वेतन जरूरी है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो भी आपके संसद विधायक मंत्री हैं, क्यों आप उनको मानदेय देते हैं, क्यों उनको आप वेतन देते हैं? वो भी तो एक सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनको क्यों ऐसा किया जा रहा है? और हमारी बहनें जो है कोविड कोरोना काल में जो है घर घर जाके जो है बच्चे बच्चे की जान बचाई है, परदेश से लोग आ रहे थे उनकी सूचना हमारी आशा बहनें दे रही थी, आशा बहनों को गाली गुप्ता भी क्षेत्र में मिल रही थी, और इस स्थिति में इनके लक्ष्य को बचाया गया, उसके बाद भी सरकार के समझ में नहीं आया, और ये सारी श्रेय आंगनबाड़ी विभाग को दे रहे हैं कि कोविड में हमारी आंगनबाड़ी बहने काम की, हमारी आंगनबाड़ी ये काम की, आशा बहनों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे। अभी तो इनको जल्द में ही हम लोग बोले थे कि अगर हम लोग की मांगों पर आप विचार नहीं करेंगे तो हम लोग आपका वोट बहिष्कार करेंगे, वही हालत हुई कि उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति गड़बड़ हो गई। अगर ये नहीं ध्यान देते हैं तो आगे 2027 में जो है इससे बेहतर स्थिति उनकी आ जाएगी। हम लोग ये लोग मन के द्वारा प्रेस वार्ता के द्वारा ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारी आशा बहनों का पीड़ा और दर्द वो नहीं समझे तो 2027 में तड़ाका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार है, अगर हम लोग का एक नियमित वेतन मानदेय नहीं हुआ। और जो लोग संगठन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनका शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, और कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग जो है सड़क पर भी उतरेंगे कि इनके बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह महिलाओं के संगठन में आके इस तरह का बिखराव क्यों कर रहे हैं, उनको क्या ऐसी गिरानी आ गई कि महिलाओं के संगठन में घुस आए, उनको पुरुष का संगठन बनाना चाहिए था, और लोक दल मंच में संगठन के पदाधिकारी थे, क्या जरूरत थी महिलाओं के संगठन में आने की? ये बहुत बड़ा हम लोग के साथ अन्याय किया गया है, ये शोषण किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार हम सहने नहीं देंगे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।